गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं त्रिलोक सर आज आपके साथ बताने जा रहा हूँ विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की कुछ वीडियो हमने पहले ही देखो दिखाई। ये साम्राज्य 1336 में इसकी स्थापना की गई और ये 1646 तक ये साम्राज्य चलता रहा। यहाँ पर पता भी गया 1336 से लेकर 1646। इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और इसको विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। इस साम्राज्य को सिटी ऑफ विक्टोरिया, विजय का शहर भी कहा जाता है। विजय का शहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। इस मैप में हम देखेंगे यहाँ पर ये विजयनगर है, ये दिखाया गया है। ये कर्नाटक का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, साउथ इंडिया का एरिया दिखाया गया है। तो ये विजयनगर है, आप उसको ध्यान से मैप में भी एक बार देखा जाता है, ध्यान रखें इसका। विजयनगर चैप्टर नंबर 7, इसकी हिस्ट्री क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली के राजा थे, वो एक मुसलमान जो विद्रोही था उसको मारना चाहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक एक मुसलमान विद्रोही को मारना चाहते थे जिसका नाम था गुरशप। ये है गुरशप जिसको वो मारना चाहते थे और ये भागकर साउथ इंडिया में चले गए। साउथ इंडिया में जहाँ पर वरागल के सावंत रहते थे और वरागल के सावंत के बाद ये जो लोग हैं ये कहाँ चले गए हैं, कांपली साम्राज्य में। ये हैं कौन वरागल के सामंत, ये हैं दो भाई हरिहर और बुक्का। यहाँ पर ये दो भाई रहते हैं कांपली साम्राज्य में। ये भागकर इस साम्राज्य में इन्होंने शरण ले ली कि मुझे बचाया जाए। किससे बचाया जाए, मोहम्मद बिन तुगलक से मुझे बचाया जाए, क्योंकि वो इसको मारना चाहता था। जब ये इनकी शरण में आया तो इन्होंने मना किया कि महाराज इसको बचाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमें इससे युद्ध करना पड़ेगा। तो कांपली साम्राज्य के राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, इससे लड़ाई करेंगे, आने दो। इसको शरण देने के बाद लड़ाई हुई मोहम्मद बिन तुगलक से और मोहम्मद बिन तुगलक ने कांपली साम्राज्य को नष्ट कर दिया। क्या कर दिया, इसको नष्ट कर दिया और इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए दिल्ली। कहाँ ले गए हैं, दिल्ली। इन दोनों भाइयों को, ये हिंदू थे तो इनको मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया गया। दोनों भाइयों को मजबूर कर दिया और इनको, इनका धर्म परिवर्तन करके दोनों को क्या बना दिया, मुसलमान बना दिया। क्लियर। लेकिन जब ये साउथ इंडिया से चले गए, ये तो दिल्ली चले गए, इनको भी ले गए दोनों भाइयों को, जब ये नॉर्थ इंडिया में चले गए तो यहाँ पर जब इनका साम्राज्य नहीं रहा तो यहाँ पर लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। विद्रोह किया तो राजा ने इन दोनों भाइयों को, इनको कहा कि जाओ आप विद्रोह को शांत करो। और ये दोनों भाई हरिहर और बुक्का वापिस साउथ इंडिया में आ गए और इन्होंने यहाँ के जो विद्रोह हो रहा था उसको शांत किया और अपने गुरु की सहायता, गुरु का नाम था विद्यारण्य। ये बार बार पूछा जाता है इन दोनों के गुरु कौन थे, विद्यारण्य। विद्यारण्य की आज्ञा पाकर इन्होंने विजयनगर की स्थापना की। कब की, 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की है। 1336 ईस्वी में किसने की है, हरिहर और
बुक्का ने, और सबसे पहले राजा बने हैं इस वंश के हरिहर प्रथम। ये किस नाम से राजा बने? हरिहर प्रथम के नाम से। और ये जो वंश है ये किसके पुत्र थे? ये थे संगम के पुत्र। और सबसे पहला जो वंश इस विजयनगर में आया वो है संगम वंश। तो हमने इस वंश के बारे में भी जानना है। संगम वंश कब से कब तक रहा? 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक। कई बार ये पूछा जाता बच्चों, तो ये हमें सबसे पहला जो वंश था वो था संगम वंश। इस वंश के राजा आएंगे पहले हरिहर, फिर हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, फिर बुक्का द्वितीय, फिर देवराय प्रथम, फिर देवराय सेकंड, फिर मल्लिकार्जुन और फिर विरूपाक्ष। ये मैं आपको नोट्स में दे चुका हूँ। और विरूपाक्ष जो थे इस वंश के जो आखिरी राजा थे, विरूपाक्ष का एक सेनापति था। विरूपाक्ष के सेनापति थे जिनका नाम था नरसिंह सालू। नरसिंह सालू ने विरूपाक्ष, जो कि इनके कहते हैं कि इतिहास में इनके पुत्र ने इनकी हत्या कर दी, लेकिन नहीं, नरसिंह सालू ने विद्रोह करके इनको मारकर सालू वंश की स्थापना की। ये दूसरा राजवंश आ गया इसमें, सालू वंश। तो सालू वंश की स्थापना किसकी? सालू वंश की स्थापना किसने की है? नरसिंह सालू ने। नरसिंह सालू ने की, क्लियर है? अब यहां पर समझना है, ये दूसरा राजवंश है, यहां पे समझना है कि नरसिंह सालू का पुत्र था इम्माड़ी, और नरसिंह सालू जब राजा बन गया तो इनका एक सेनापति था जिसका नाम था नरसा नायक। नरसिंह सालू की मृत्यु होने के बाद इम्माड़ी छोटा था, तो नरसा नायक उसकी देखरेख कर रहा था। नरसा नायक का एक पुत्र था जिसका नाम था वीर नरसिंह, और इस वीर नरसिंह ने इमाड़ी की हत्या कर दी। इमाड़ी की हत्या करने के बाद इन्होंने तीसरा राजवंश बना लिया जिसका नाम था तोलोए वंश। इमाड़ी किसका पुत्र था? नरसिंह सालू का। इमाड़ी की हत्या किसने कर दी? वीर नरसिंह ने। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका, 1505 में राजा बना और 1509 तक, क्योंकि इसने हत्या कर दी थी। जब लोगों ने इसको ज्यादा दिनों तक नहीं रखा तो इसके बाद राजा बना था कृष्ण देव राय। ये वीर नरसिंह का छोटा भाई था, नरसा नायक का छोटा पुत्र। 1509 में राजा बना कृष्ण देव राय, और ये 1529 तक रहा। 20 साल इसने राज किया, और ये किसके समकालीन था? बाबर के समकालीन, बाबर के समकालीन माना जाता है। बाबर ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है, बाबरनामा में, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। और इसी के जो ये टाइम पीरियड है 20 साल का, इसको बहुत अच्छा माना जाता है विजयनगर में। कृष्ण देव राय ने कमलापुरम जलाशय बनवाया, जलाशय तालाब होता है जिससे वहां की सिंचाई होती थी। एक नंगलापुरम नगर बसाया अपनी माता के नाम पर, ये कई बार पूछे जाते हैं। और बहुत ही अच्छी किलेबंदी बनवाई, इस प्रकार की किलेबंदी थी। पहला दीवार क्रॉस करके जब जाया जाता था, तीन प्रकार की किलेबंदियां हैं। पहली दीवार में यहाँ पर फार्म हाउस, खेत, खेत के अंदर एंट्री होती थी, फिर नगर के अंदर एंट्री होती थी, और बीच में राजा का महल होता था, राजमहल। राजा का महल कहाँ था? बीच में। इस प्रकार की ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर किलेबंदी दिखाई गई है। इसी के शासनकाल में दो विदेशी यात्री भी आए थे,
विजयनगर आए जिनका नाम था डीमेको पायस और बारबोसा, दोनों ही पुर्तगाली थे। इनके बारे में भी विस्तार से बताएंगे आपको। इसी राजवंश में आगे चलकर 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ। इस तालिकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी के युद्ध से भी जाना जाता है। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी की लड़ाई, ये लड़ाई एक ही है लेकिन नाम इसके तीन हैं। एक तरफ विजयनगर था और इसके अंगेंस्ट में तीन राज्यों ने लड़ाई लड़ी, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। और इस लड़ाई में विजयनगर की हार हुई। उस समय के राजा कौन थे विजयनगर के? उस समय के राजा थे सदाशिव राय, और इनका जो सेनापति था ये थे राजा, और इनका सेनापति था राम राय। इस राम राय ने इन तीनों को लड़ाना चाहा लेकिन ये तीनों ने मिलकर ही विजयनगर को हरा दिया। और 1565 से लेकर 1570 तक इन तीनों शक्तियों ने विजयनगर को लूटा, विजयनगर को खूब लूटा। तो यहां तक आपको करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों। ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट इसमें ना मिस हुआ हो आपका। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो इस प्रकार से आप अपने नोट्स भी तैयार कर लेना। और एक वीडियो और इसके बाद पार्ट टू भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस करूंगा, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।